ये भाई दे रहा सही कंटेंट है तुमने ये देखो भाई एक ही जगह अप्लाई करके आया फाइव टू सैलरी इंक्रीमेंट विद इन सिक्स इफ यू आर लुकिंग फॉर वाइट जॉब welcome back to my बैक टू so guys आज मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ हूँ और मैं आपको उन सबसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मिलवाता हूँ और हम बात करेंगे इस वीडियो में स्पेसिफिकली अबाउट होटल मैनेजमेंट कोर्स तो सबसे पहले एक क्विक इंट्रोडक्शन भाई यहाँ से शुरू करते हैं अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दो और थो बस इंट्रोड्यूस ही कर दो मैं उसके बाद स्पेसिफिकली डेडिकेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा हर बंदे से फ्रेंड्स uh, मेरा नाम देवंश है मैं वेस्ट इन वेस्ट में काम कर रहा हूँ जो आई थिंक वैनकूवर से टू एंड हाफ टू एंड हाफ आवर्स की ड्राइवर नॉर्थ की साइड आप वैसे uh, इंडिया में कहाँ से हो मैं इंडिया में जलंधर से पंजाब से okay. अब नेक्स्ट भाई अपना ये बताएगा हाय फ्रेंड्स मेरा नाम अंबर है और मैं कलोना जहाँ घूम रहे इस वक्त उसी सिटी में हूँ मैं अभी कोस कपरी होटल है उसमें काम कर रहा हूँ और इंडिया से मैं पंजाब होशियारपुर से हूँ ओके okay. जलंधर के पास से ही ये भाई yes. भी अब हम बात करते हैं श्रेयांश की भाई एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दो हाय फ्रेंड्स मेरा नाम श्रेयांश है मैं यहाँ पे सैंडमैन होटल में काम करता हूँ एंड मैं भोपाल से हूँ इंडिया ओके okay. तो अब हम शुरू करते हैं एक फर्स्ट राउंड ऑफ लाइक बेसिक क्वेश्चन जो मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं तो सबसे पहले हम देवन से पूछेंगे कि आपने इंडिया में क्या किया है एंड देन यहाँ आप कैसे मूव हो गए या आप पे क्या ऑप्शन थे और आप किस कोर्स में आए हो तो उस बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दो आप सो so, मैंने इंडिया से बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट की हुई है जो मेजॉरिटी इंडिया में तीन साल का कोर्स है बट मेरा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पढ़ा हुआ हूँ मैं और वहाँ पर फोर ईयर्स का कोर्स है तो मेरी थ्री ईयर्स वो स्टडीज एंड लास्ट वन ईयर मेरा था पूरा वन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन यू नो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टाइप ओके तो उसके बाद आपने लाइक इंडिया में काम भी किया है तो इंडिया में मेरी जो बेसिकली आपकी जो ट्रेनिंग होती है उसके लास्ट सिक्स मंथ्स मैंने ओ जी टी की है विच इज़ लाइक ऑन द जॉब ट्रेनिंग ओके आप जॉब पे होते हो यू गेट योर सैलरी बिल्कुल उसके हिसाब से योर जॉब आर द सेम अगर आप जॉब पे होते हो बट आप स्टिल एक स्टूडेंट माने जाते हो ओके okay. अब नेक्स्ट टाइम पूछते हैं अंबर से भाई अंबर आपने इंडिया से क्या किया है और काम किया है तो कहाँ किया है कितने टाइम किया है और उसके बाद आपका कैसे प्लान बना तो मैंने आईएचएम से ग्रेजुएट हूँ वही बीएससी इन हॉस्पिटलिटी कौन सी लोकेशन वाले से आ, मैं आईएचएम हमीरपुर से हूँ लाइक इट्स इन हिमाचल और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद ऑलमोस्ट टू एंड हाफ ईयर का एक्सपीरियंस है मेरे पास फ्रंट ऑफिस का मैंने दो अलग होटल्स में काम करा है एक रेडिसन और एक आई की प्रॉपर्टीज़ ग्राउंड प्लाजा में और आफ्टर आफ्टर कम्प्लीटिंग दैट मैं फिर यहाँ पे कैनडा आया और उसके बाद जब मैंने अपनी स्टडीज़ यहाँ पे शुरू करी तो मैंने यहाँ पे आके भी होटल लाइन ही चूज़ करी क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था तो मैंने कहा लाइक like, शायद मुझे कोई प्रेफरेंस मिल जाए एंड मिली भी है ओके okay. तो हाँ. तो अब हम पूछते हैं श्रेयांश से सेम क्वेश्चन कि आपने इंडिया में क्या किया है क्या पढ़ा था और यहाँ आपने मतलब काम करके आए हो डायरेक्ट आए हो फ्रेशर आए हो जैसे भी आए हो सो so, मैंने सेम बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी किया है एंड थ्री इयर्स या इट इज़ अ थ्री ईयर कोर्स उसके बाद मैंने दो साल जॉब uh, किया है नो होटल हैदराबाद एयरपोर्ट जो कि एकॉर होटल्स के अंडर आता है एंड एक साल में फ्रंट डेस्क एजेंट था उसके बाद उनने मुझे प्रमोट किया मैं फ्रंट डेस्क सुपरवाइजर बना उसके बाद मेरा कनाडा आने का प्लान हुआ बीच में मैंने थोड़ा टाइम अपना फैमिली ओन्ड रेस्टोरेंट भी देखा उसके बाद यहाँ पे आके मैंने फ्रंट डेस्क से मैंने हाउसकीपिंग में मूव किया जिससे कि मुझे पूरा रूम डिविजन्स का एक्सपीरियंस हो जाए एंड अभी मैं एज अ गेस्ट सर्विस मैनेजर सैंडमैन होटल्स में काम करता हूँ ओके नाइस तो अब हम इस बारे में बात करते हैं कि अगर आप इंडिया से हो आपने होटल मैनेजमेंट इंडिया में करी है तो जब आप यहाँ आते हो तो आप होटल मैनेजमेंट के आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं लाइक क्या कॉलेज़ हैं इसमें डिप्लोमा करना होता है या इसमें भी कोई मास्टर्स डिग्री होती है एंड लाइक बेसिकली ऑप्शंस लाइक अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो उस पर कौन से फेमस कॉलेजेस हैं जो कोर्स कराते हैं कितने साल के हैं क्या उनका रफली फीस स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले देवंश से स्टार्ट करेंगे सो so, मेरा बैकग्राउंड कलनरी है तो मुझे उसके बारे में ज्यादा नॉलेज है mm -hmm. मैंने होटल मैनेजमेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत रिसर्च किया सो बेसिकली कल्नरी और होटल मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है सो होटल मैनेजमेंट के अंडर डिपार्टमेंट्स आते हैं आप होटल में जाते तो आपको जैसे कमरे में रह रहे हो हाउस कीपिंग फ्रंट ऑफिस

होटल uh, मैनेजमेंट के साइड पे ये दोनों कवर कर लेंगे बट कलनरी के साइड पे पोस्ट ग्रेजुएशन इन कलनरी मैनेजमेंट कनाडा में इस वक्त सिर्फ दो यूनिवर्सिटीज़ देती है ओके वन इज ऐसीबॉ इन कम्यूनिटी कॉलेज विच इज इन मैनेटोबा एंड दी अदर इज सेल्कर कॉलेज विच इज़ इन नेल्सन ओके और जहाँ तक आपने मुझसे पूछा था कोर्स का फीस स्ट्रक्चर एंड स्टफ़ सेल्कर कॉलेज जहाँ से मैं पढ़ा हूँ उसका एक साल का था फीस फोर्टीन थाउजेंड डॉलर्स के करीब ओके एंड सेकेंड ईयर का वन थाउजेंड टू थाउजेंड बढ़ गया ईयर इट गेट्स सो रफली वी कैन से अराउंड की फीस थी राइट right? दो साल की यस yes. अब थोड़ी बहुत हो सकता है बढ़ गई हो एक आध साल में hmm. तो मे बी थर्टी फाइव थर्टी थर्टी के आसपास ही होगी uh -huh. तो अब हम पूछते हैं भाई अंबर से कि भाई आपका क्या कॉलेज की प्रेफरेंस थी क्या ऑप्शन थे आपको क्या लगता है आप जब यहाँ आने वाले थे आपने किन किन कॉलेज में अप्लाई किया था और उस बारे में थोड़ा सा बताइए तो मैंने एक्चुअली इवन दो मेरा कोई फ्रेंड भी पढ़ा हुआ है जिस कॉलेज से एलक कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ तो उसी ने मेरे को रेफ़र करा था कि हाँ ये गवर्नमेंट कॉलेज है और इसकी वैल्यू ज़रूर मतलब वैल्यू काफ़ी अच्छी है और इवन दो लाइक कैंपस इंटरव्यूज़ आते हैं और मुझे फ़ायदा भी हुआ उस कैंपर कैम्पस इंटरव्यू का तो लाइक like, किसी से रेफर्ड हुआ मैं और मेरे को पता लगा कि हाँ ठीक है अच्छा कॉलेज है तो मैंने एक्चुअली और ऑप्शन देखी ही नहीं मैंने सीधा यही करा और इवन दो मेरे को जो जो ऑफर लेटर है वो बहुत काफ़ी जल्दी आ गया था तो हाँ मतलब लेकिन इनकी जो सीट्स है वो काफ़ी अवेलेबलिटी रहती है इनकी और बाकी उसके बाद मैंने यहाँ पे आया हूँ मैंने अपने दो साल का वो कंप्लीट करा है और मोर ओवर ये लोग आपको कोर्स के साथ को ऑप भी देते हैं तो को ऑप इज़ लाइक जॉब ट्रेनिंग

कि भाई जब आप अप्लाई कर रहे थे आप पे क्या ऑप्शन थे और आपने क्यों लाइक सेल क्रिक चूज़ किया आप पे कोई और ऑप्शन था या जो भी आपकी जर्नी थी भाई मैंने टोटल पाँच कॉलेजेस में अप्लाई किया था मुझे दो जगह से ऑफर लेटर आया ये भाई और... दे रहा सही कंटेंट है तुमने ये देखो भाई एक ही जगह अप्लाई करके आया ये हाँ भाई बताओ बताओ भाई मैंने पांच कॉलेज में अप्लाई किया दो जगह से ऑफर लेटर आया लेकिन उसके बाद जब मैंने अपना थोड़ा सा रिसर्च किया तो सेल्फ कॉलेज के जो फैकल्टीज हैं वो अच्छे थे अच्छे आए मतलब एंड बेस्ट कॉलेज इन कूटनीज है वो ओके सो देन मैंने सेकंड थॉट नहीं दिया मैंने सोचा कि लेट्स गो फॉर इट क्वेश्चन ये था कि आपने सेलकरी कॉलेज चूज़ किया आप पे और क्या ऑप्शंस थे फॉर होटल मैनेजमेंट या कलनरी आर्ट्स आपने और कौन आपने किन किन जगह अप्लाई किया सो so, मैंने जॉर्ज ब्राउन में अप्लाई किया था मैंने हम्बर में अप्लाई किया मैंने सेंटेनियल में अप्लाई किया था मुझे सेंटेनियल एंड सिल्क से ऑफर्स uh, भी आए देन मैंने सिल्क चूज चूज़ किया था बिकॉज ये मतलब कोटनीज़ में बेस्ट कॉलेज है एंड uh, यहाँ पे पॉपुलेशन भी अभी थोड़ा कम है जैसे इफ़ यू गो टू उटे वहाँ पे बहुत जनता है, बहुत या बहुत ज़्यादा जनता है वहाँ पर जॉब्स मिलना मुश्किल हैं सो देट्स वाई आई चूज़ दिस कॉलेज या दैट्स आ ओनली रीज़न ओके तो अब हम बात करते हैं कि भाई कॉलेज आपने चूज कर लिया तो आपका कोर्स भी मोस्टली आपका दो दो साल का कोर्स रहा थर्टी थर्टी फाइव थाउजेंड की फीस रही अब मुझे ये चीज़ बताओ कि अगर कोई नया बंदा आ रहा है यहाँ जो होटल मैनेजमेंट करना चाहता है और उसको लाइक बाद में कोर्स ख़त्म होते टाइम वो जॉब अगर ढूंढे तो कैसे वो जॉब के लिए अप्रोच करे लाइक कॉलेज कोई हेल्प करता है नहीं करता तुम खुद ढूंढते हो कैसे ढूंढते हो ठीक है भाई देवेंश तो आप कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन से कि अगर आप होटल मैनेजमेंट कर लेते हो तो उसके बाद आप किन किन जॉब प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो तो उसके बारे में थोड़ा आइडिया दे दो सो होटल मैनेजमेंट अगेन मैंने कल्नरी मैनेजमेंट की है बट होटल मैनेजमेंट में भी फॉर दिस ब्रदर्स एक्सपीरियंस आई टेल उनका भी आपके पास ऑप्शन होते हैं आप कलनरी में जा रहे हैं आपके पास शेफ का एक्सपीरियंस है आप फ्रूट ब्लॉगर बन सकते हैं यू कैन ऑल्सो आप कॉर्पोरेट शेफ बन सकते हैं जिसके अंदर आप किचन में काम नहीं कर रहे होते बट लाइक लेट्स ए जोईज एंड वाइट स्पॉट काफी बिग चेन रेस्टोरेंट इन कैनडा आप उसके कॉर्पोरेट शेफ बनके आप मेन्यूज डिजाइन कर सकते हैं okay. कोई नया रेस्टोरेंट खुल रहा है आप बिजनेस मैन विल अप्रोच यू कि आप मेन्यू डिजाइन करिए मेरे लिए ऐसे ही फ्रंट ऑफिस में होता है आप सेल्स में जा सकते हो किसी भी कंपनी की सेल्स में डिपार्टमेंट में जाके चले तो जाओ तो एक तो इसमें हो गई शेफ वाली लाइन एक हो गया फ्रंट आ, फ्रंट डेस्क मैनेजर वाली लाइन तो ये दो ही मेन आप पे ऑप्शंस होते हैं राइट नहीं ऑप्शंस में हाउसकीपिंग एंड सर्विस भी है ओके ओके या बट दे नॉट दैट पॉपुलर सो देवंश लाइक देवेश खुद से लाइक शेफ वाली फील्ड में है तो उनको शेफ का एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है तो अब हम पूछते हैं अंबर से भाई आप अपना कोर्स खत्म करके किस जॉब के लिए अप्लाई किया कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस डिपार्टमेंट में आप काम करते हो तो मैंने अपना कोर्स ख़त्म किया वाइल कम्प्लीटिंग दैट कोर्स ऑल्सो मैं फ्रंट फ्रंट पर ही काम कर रहा था जहाँ पे मेरा वो नेल्सन जहाँ से हम स्टडी मतलब ग्रेजुएट हुए हैं और फिर वहीं कंप्लीट करते करते कॉलेज हमारे कॉलेज कैंपस में इंटरव्यू आए कैंपस इंटरव्यूज हुए और मैं वहीं पे सिलेक्ट हुआ एज आ गेस्ट सर्विस मैनेजर और तो हमारा कॉलेज जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हाँ क्या वो प्लेसमेंट्स में काफ़ी अच्छा है क्योंकि वो मतलब इवन दो आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे जा रहे हो या फिर बाद में जॉब के लिए जा रहे हो तो वो अपने वो कैंपस इंटरव्यूज़ करवाते right. रहते हैं और उसके बाद मैंने अभी अभी जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर मैं असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर हूँ एंड मैं अगर इसके अलावा बोलूँ तो मेरे पास जो और प्रोफाइल्स बची हैं जिसमें मैं मूव हो सकता हूँ तो वो सेल्स हो सकता है बाकी मतलब या आपका लाइक अगर फ्रंट डेस्क मैनेजर हो तो कस्टमर से डील करते रहते हाँ, सेल्स अच्छा हो, तो हो सेल्स का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है तो सेल्स जॉब में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो कस्टमर सर्विस की सारी प्रोफाइल खुल जाती है अगर राए, आप इसमें जाते हो तो ठीक तो है भाई अब हम पूछते हैं श्रेयां से भाई आप किस उसमें काम कर रहे हो किस स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए तो उस बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दो भाई जब मैंने मतलब अप्लाई करना चालू किया था उसी टाइम पे कैंपस इंटरव्यूज आए एंड मैं कैंपस इंटरव्यूज़ में मतलब नहीं गया था मैंने इंडिविजुअली अप्लाई किया और उसके बाद मुझे सैंडमैन होटल ग्रुप है कनाडा में ऑलमोस्ट सिक्सटी टू होटल्स हैं उनके तो उनने मुझे क्लोना प्रॉपर्टी ने मुझे सिलेक्ट किया उसके बाद मैं एज अ गेस्ट सर्विस मैनेजर सिलेक्ट हुआ यहाँ पे देन अभी मुझे एक साल हुआ है एंड लाइक uh, like मैं जब स्टडी कर रहा था उसी टाइम पे मुझे हाउसकीपिंग का भी एक्सपीरियंस हुआ है तो मुझे इसी होटल में इन्हें एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर की भी पोजीशन ऑफर की जो कि मैंने मना किया बिकॉज आई डोंट वांट टू मूव माय प्रोफाइल फ्रॉम फ्रंट डेस्क टू तो हाउसकीपिंग सो so, हाँ आप मतलब यहाँ पे आके आपने आप पार्ट टाइम जॉब भी किया है हाउस में आपको एक्सपीरियंस है तो आप किसी भी लाइन में मूव हो सकते हो होटल के किसी भी लाइन में ओके तो आई थिंक uh, लोगों को जर्नल आइडिया लग गया है कि इन किन कॉलेज़ में वो अप्लाई कर सकते हैं क्या उनका सीन है अब मुझे एक चीज़ बताओ क्विकली कि आपको क्या लगता है कि इसमें सैलरी रेंज किस रेंज से किस उसमें है कंसिडरिंग कोई बंदा फ्रेशर आ रहा है डायरेक्टली आफ्टर कंप्लीटिंग यू you नो know? लाइक like, अपना खत्म करा इंडिया से स्टडी डायरेक्टली आ गया और दूसरा केस हम वो ले लेते हैं जो पाँच छः साल का एक्सपीरियंस लेके बंदा आ रहा है तो दोनों केसेस में क्या सैलरी हो सकती है किस डिपार्टमेंट में सो लेट्स टॉक अबाउट इंडिया से जो विदाउट एक्सपीरियंस आ रहा है न्यू स्टूडेंट आपने इधर आके अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया कल्नरी मैनेजमेंट यू हैव जीरो एक्सपीरियंस फ्रॉम इंडिया आपकी जॉब आप छोटे रेस्टोरेंट्स में जाएंगे जहाँ पर दे अल, दे दे वेलकम फ्रेशर्स देल स्टार्ट फ्राम एटीन फिफ्टी एंड टू ट्वेंटी लाइन कुक इज स्टार्टिंग पोजिशन नाउ दिस इज

तो मैं जब आया था मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की मेरी स्टार्टिंग हुई थी ट्वेंटी से एंड विद इन सिक्स मंथ्स बिकॉज आप भी एक तरह के फ्रेशर माने जाते हैं सिक्स मंथ्स मानिए ज्यादा नहीं होता आफ्टर सिक्स मंथ्स बिकॉज मेरे पास उतना एक्सपीरियंस था इंडिया से दे प्रमोट दे गेव मी थ्री सैलरी इंक्रीमेंट्स विद इन सिक्स एंड टी फोर फिफ्टी करती थी मैं जिस रेस्टोरेंट में हूँ थोड़ा टूरिस्ट टाउन है तो वहाँ पर टिप्स ज़्यादा बन जाती है Okay. तो तो से कभी कभी ऑन अ गुड सैलरी टू वीक बेसिस तक जाता पड़ा तो अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊँ तो अगर हम पर आर की बजाय अगर हम सैलरी एम्प्लॉय के हिसाब से बात करें तो अराउंडी थाउजेंड तक के रेंज yes. तक में हो आप लाइक अराउंड मे बी से फिफ्टी टू सेवेंटी डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस लाइक दैट बट आप हाँ इतने पे आप शुरू कर देते हो यहाँ पे एंड आई थिंक इट्स ओके तो अब हम पूछते हैं भाई अंबर से भाई आपका क्या टेक है इस पे कि सैलरीज कितनी है किस डिपार्टमेंट में किसी में कम है किसी में ज़्यादा है किस बंदे को किस उसमें स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की तरफ एम करना चाहिए नौकरी लेने के लिए सो so, डेफिनेटली जो भी किचन uh, प्रोफाइल वाले हैं दे डेफिनेटली अर्न मोर देन अस ओके क्योंकि उनका वैसे भी हार्ड वर्क भी है काफ़ी ज़्यादा होता उनको, like, कितने -कितने है उनको लाइक कितने कितनी देर खड़े रहना पड़ता है किचन्स में बट लाइक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लाइक सॉफ्ट एंड लाइक वाइट कॉलर जॉब तो uh, like हाँ. okay, so, uh, उसके लिए मैं बोलूँ फ्रेंडस अच्छा है क्योंकि मैं मैं मेरे को ऑलमोस्ट ढाई साल हो गए यहाँ पे फ्रेंडेस पे और अभी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे भी मेरा यही है कि मैं असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर हूँ मेरे को अपनी टीम को मैनेज करना होता है स्केजिंग हायरिंग ये सब चलता है और अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो हमारी सैलरी स्टार्ट होती है लाइक फोर्टी के मैं इनका होटल, हाँ. राइट आ. चलो ठीक है अब हम ये क्वेश्चन पास ऑन करते हैं श्रेयांश को भाई आपको क्या लगता है क्या सैलरी है कोई नया बंदा आ रहा है या कोई बंदे पे दो तीन साल का एक्सपीरियंस है तो भाई इट डिपेंड्स आपको एक्सपीरियंस है आप को कौन सी पोजीशन देते हैं होटल वाले इफ़ आप सुपरवाइजर या मैनेजर की पोजीशन पे लगते हो देन uh, वो डेफिनेटली आपको uh, मतलब फोर्स करेंगे कि टू बी सैलरीड एम्प्लॉय लाइक स्टार्टिंग इज एटीन डॉलर्स पर आर एट फ्रंट डेस्क उसके बाद वो जाते जाते आपका जैसे समर बोनस एंड वो सब कुछ मिला लो तो आप ट्वेंटी ट्वेंटी वन डॉलर्स पर आर तक कमा सकते हो जो कि एक डिसेंट सैलरी है यहाँ पे uh, ऑन टॉप ऑफ दैट आई वुड लाइक टू मैंशन की फ्रंट डेस्क पे नो no टिप्स कोई भी टिप्स नहीं होते हैं फ्रंट डेस्क के लिए ओके okay. uh, क्योंकि जो भी हार्ड वर्क है वो हाउस देखता है तो रूम्स में जो भी टिप्स होते हैं या तो उनका इकट्ठा होके एट द एंड ऑफ द मंथ हाउसकीपिंग को जाता है लाइक ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को okay. या जो जिसके रूम में टिप्स मिलते हैं वो उसको चला चल जाता है फ्रंट डेस्क के लिए कोई टिप्स नहीं होते हैं सो uh, so, आप जितना कमाओगे उतना ही आपकी जेब में जाएगा सो so, लेट से ट्वेंटी वन डॉलर्स के आसपास तक आप कमा लेते हो उसके बाद डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस वो आपको प्रमोशन दे के वो आपको लाइक सैलरी बेसिस पे डाल देंगे सो फिफ्टी थाउजेंड के आसपास स्टार्टिंग होती okay. है दैट कैन गो अप टू लाइक सेवेंटी एटी थाउजेंड डिपेंडिंग ऑन योर पोजिशन एक्सपीरियंस ओके तो अब हम इस ब्लॉक को एंड करने वाले हैं आपसे क्विकली एक चीज़ पूछूंगा कि जो बंदे यहाँ आने वाले हैं आप में से किसी के पास भी या आप सब अपने आइडियाज डाल सकते हैं जो भी नए लोग आ रहे हैं उनके लिए कोई सजेशन है कि वो क्या चीज़ करके आए कि उनको कोई बेनिफिट हो जॉब इजीली लग जाए जो यू you नो know, लाइक like काफ़ी काफ़ी लोग होते हैं आ जाते हैं उनको जॉब नहीं मिल रही बड़े परेशान हो रहे हैं सौ जगह अप्लाई कर रहे हैं कहीं बन नहीं पा रहा तो कुछ कोई टिप्स की उनको जॉब ईजीली मिल जाए कुछ उस बारे में अगर कुछ कहना चाहोगे या फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिनको जॉब्स नहीं मिल रही आई थिंक जब मैं कनाडा आया था मेरे को भी यही बोला गया था जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है आपको सीवी बनाना रेज्यू बनाना पड़ता है यू हैव टू स्टैंड आउटसाइड स्टोर्स एंड स्टफ काफ़ी काफ़ी देर तक उसके बाद भी कोई कॉल नहीं करता बिच मेरे लिए एंड मैंने देखा है मेजर लोगों के लिए अन है आपके पास अगर स्किल है थोड़ी सी भी कोई स्किल है आप चाहे मैकेनिक थे या आपको आपने इंजीनियरिंग की आपको वेल्डिंग आती है right. आपको हेयर कट करना आता है मेरे केस में कुकिंग में थोड़ा है आपको एक्सपीरियंस तो मेरी जॉब लिटरली थ्री डेज में लग गई थी राइट right. क्योंकि मेरे पास स्किल थी राइट राइट एंड और अगर जनरल पॉपुलेशन की बात करूँ तो जब आप आओ हैव सम कॉन्फिडेंस इन योर आपका लैंग्वेज स्किल ठीक है कॉन्फिडेंस है आप में तो कुछ इम्पॉसिबल नहीं है इधर जॉब मिलना बहुत ईजी है और अच्छी जॉब मिल जाती है राइट सो अंबर आपका क्या टेक है इस चीज पे? कोई नया बंदा आ रहा है उसको क्या करना चाहिए कि उसको आराम से जॉब मिल जाए कुछ उस बारे में कुछ टिप्स दे दो नए लोगों को मेरा भी यही कहना है कि जैसे आप अगर आपने वहाँ पे कोई प्रोफाइल चूज़ कर रखी है लाइक सपोज आपने कोई तो स्टडी करोगे फिर यहाँ पे आओगे तो हाँ उस प्रोफाइल को कंटिन्यू करो क्योंकि यहाँ पे इंडिया का एक्सपीरियंस वैल्यू होता है लाइक ये है एक मिथ है कि नहीं वहाँ पे हम जाएंगे हमारा एक्सपीरियंस तो काउंट होगा नहीं दैट इज़ अन ट्रू क्योंकि यहाँ पे आप आते हो आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है मुझे भी मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर ही मुझे फ्रेंडर्स की जॉब मिली थी अदरवाइज मुझे याद है मेरे कॉलेज में कोई और भी नहीं था जिसके पास फ्रेंडर्स की जॉब थी क्योंकि लोगों के पास नहीं थे, थे एक्सपीरियंस बट हाँ मेरे पास था तो मैंने अप्लाई करा और मुझे मुझे भी याद मैंने उस दिन जस्ट मूव हुआ हूँ और हर जगह रिज्यूम में बांटता फिर रहा था अपने कि हाँ ये लो रिज्यूम में हर जगह और जैसे मैं होटल में गया तो मैंने अपना रिज्यूम में दिया उसने तभी के तभी मेरा चेक करा कि अच्छा इसके बाद एक्सपीरियंस है उसने मेरे को होटल नहीं छोड़ने दिया उसने तभी के तभी मेरे को बुला लिया कि हाँ ओके बैक ऑफिस में आ जाओ क्या हम आपका इंटरव्यू अभी के अभी ले सकते हो उन्होंने लिया और लाइक उसके बाद एक सेकेंड राउंड हुआ विच वॉज लाइक कि हाँ ओके करना पड़ता है ऐसा सेकंड राउंड क्योंकि हायर मैनेजमेंट है दे डोंट वांट कट एनीवन तो उसके बाद मेरे को साथ के साथ जॉब मिल गई सो so, अपने अगर फील्ड कोई चूज करिए इंडिया में तो उसको फॉलो करो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा यहाँ पे चलो अब हम लास्ट में पूछते हैं श्रेयांश से भाई आपके पास कुछ टिप्स हैं स्टूडेंट्स को देने के लिए कि उनकी जॉब इजीली लग जाए उनको ज़्यादा स्ट्रगल फेस ना करना पड़े या क्या वो करे तो उनके लिए हेल्पफुल होगा भाई सेम जो मेरे दो भाइयों ने बोला Uh, कि आपके पास स्किल है तो आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी आपके पास स्किल नहीं है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बट ये नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी आपको कहीं ना कहीं पे जॉब मिल ही जाएगी लाइक like यहाँ पे मिनिमम uh, वेज का जो सीन है uh, कोई से भी एम्प्लॉय को मिनिमम वेज देना ही पड़ता है तो यू कैन अप्लाई फॉर पिज्ज़ा स्टोर्स ग्रोसरी स्टोर्स एनी सो आपके पास कोई स्किल नहीं भी है तो भी आप

बहुत सारे हैं बस मुझे लगता है थोड़ा सा फोकसड रहो अपने प्रोफाइल पर काम करो एंड यू कैन डू वेल फील्ड से इतना लेना देना नहीं है बस ये बात होती है कि जो कर रहे हो वो अच्छा करो कि आपका सही सीन रहे तो आई थिंक वी आर प्रेटी मच डन विद दिस वीडियो अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताना मैं मेरे फ्रेंड्स ही हैं ये मैं आपसे इनसे बात करके पूछ के आपको पूरा फॉर श्योर हेल्प करूँगा तो अभी के लिए आई थिंक वी आर वेटी मच डन एंड इन केस यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल प्लीज हिट द बेलाइकन या थैंक यू